नमस्कार दिनर प्रथम खबर सह स्वागत करुछी मु शक्ति बुलेटिन को आपको नवा किंतु प्रथम देखनवा कौन रही हेडलाइंस आज यूपी रे अंतिम पर्याय मतदान नौटी जिलार 54 आसन में पड़ भोट 613 प्रार्थी भाग्य परीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र उपर देशवासी नजर औषध दिवस हिताधिकारी कथा हे प्रधानमंत्री मोदी जेनेरिक मेडिसिन नहीं सचेतनता सृष्टि करने को मार्च 1 रु सारा देश में पालन हो जनऔषधि सप्ताह रुषिया युक्रेन युद्धर जे बार गोटे पर गोटे सहर कब्जा करुछि रूस देशरे नो फ्लाइंग जोन घोषणा करने को नाटो को जेलेंसी का प्रस्ताव रुषिया कहला सबु सत मानिले युद्ध हेब बंद अंतिम पर्यायर भारत ऑपरेशन गंगा एजाए भारत फेरिले 15,920 छात्र छात्री अन्य मानकु शीघ्र फेर आने को जोरदार चली ऑपरेशन पौर निर्वाचन नहीं बढ़ुची ताति आज नामांकन शेष दिन प्रार्थी घोषणा नहीं बीजेडी बढ़ुची असंतोष ब्रह्मपुर महानगर निगम पर सबिता सुआर को प्रार्थी करी बीजेपी एवं 2022 आईपीएल खेल सूची जारी मार्च 26 रे खेल उद्घाटनी मैच प्रथम मैच में मुहांमुही हे चेन्नई कोलकाता 10 दल मध्य हे प्रतियोगिता आज उत्तर प्रदेश में अंतिम पर्याय मतदान शेष पर्याय मतदान रे 9 जिलार 54 आसन पर भोट पड़ा थी बेले 613 प्रार्थी हेब भाग्य निर्धारण वाराणसी आजमगढ़ मिर्जापुर गाजीपुर अन्यान्य जिलार ए सबू आसन अंतर्भुक्त रही तेज वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र होता बेले ए आसन उपर रही समस्त नजर यूपी में बीजेपी पक्ष जोरदार प्रचार कर प्रधानमंत्री समेत बीजेपी बहु हेवी वेट प्रचार करिछंती एसपी बीएसपी पक्ष नेता निज निज प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करिछंती गत निर्वाचन ए अंचल सबुठ भल प्रदर्शन करिथिला बीजेपी 2017 बीजेपी 29 सीट पाई बेले समाजवादी पार्टी को मिलता 11 आसन तेरे चलित निर्वाचन में क्या आशीर्वाद करे जनता ताकु नहीं चली अंककसा अधिक अपडेट सहित फोनलाइन जोड़ी होती हम प्रतिनिधि गगन मिश्रा गगन शेष पर्याय आज जो 54 आसन में मतदान एवं ये 54 आसन बहुत गुरुत्वपूर्ण खासकर शासक बीजेपी कारण ये 54 आसन भितर आसूँ वाराणसी संसदीय क्षेत्र जोटा कि प्रधानमंत्री निजस्व संसदीय क्षेत्र और प्रधानमंत्री भी रोड शो करते तेणु ये शेष पर्यायर 54 आसन में बहुत भल प्रदर्शन करवा बीजेपी आशा रखा स्वाभाविक तो आज ये 54 आसन के गुरुत्वपूर्ण शेष पर्यायर हेले भी पूरा उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पाई देखो शक्ति वर्तमान भोटिंग आरंभ हो जहां पाख सूचना तीन मिनिट पूर्व वर्तमान भोटिंग आरंभ हो तो निश्चित भाव समस्त मन में एक्साइटेड रही खास कर लास्ट मोमेंट रे देखिए जो भली धरणर प्रचार है खास कर वाराणसी समस्त आई कैचिंग पॉइंट थी वाराणसी उपर समस्ते फोकस करते प्रधानमंत्री जो भली ढंग से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रो परिदर्शन कले सीधा सड़क देखिए आप दर्शन कले रात स्टेशन रे पहुंची वाराणसी स्टेशन रे तेणु कौटना कौटि वाराणसी समस्त आई कैचिंग पॉइंट थिला एवं जो भली ढंग से प्रधानमंत्री से प्रचार कले तेणु अपोजिशन अखिलेश यादव कथा कहतु प्रियंका गांधी कथा कहतु से वाराणसी को फोकस करते निजे जाकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रे पहुंची दर्शन करते तो निश्चित भाव जो जिला गुड़िक रही माओ आजमगढ़ जोनपुर गाजीपुर वाराणसी चंदोली मिर्जापुर सोनभद्रा बरदोई संत रविदास नगर ये सबू भितर कौटना कौटि वाराणसी समस्त आई कैचिंग पॉइंट रोचे कहीं ये मोदी गड़ बोली कहु सिक्स पेज रे जो निर्वाचन है ता निश्चित भाव योगी गड़ में निर्वाचन होता बर्तमान मोदी गड़ में आज भोट पड़
निश्चित भाव लगातार दुई थर देखिए सांसद से जीति सेठारे लोकल निर्वाचन में मध्य बीजेपी भल परफॉर्मेंस करथिला। वर्तमान विधायक संख्या मध्य सेठी अधिक बीजेपी रो अछि कंटिन्यू अपन जे देखिबे ते निश्चित भाव फोकस रे रहिबो बारणासी तबे केते प्रतिशत वोटिंग होउछि पाखापाखि 613 जन जो प्रार्थी रहिछन्ति ताको भितरे किए बाजीमात करछि ता निश्चित भाव होय त शक्ति 10 तारिख रे चित्र स्पष्ट हेबो किंतु आजि जेहेतु शेष पर्याय मतदान तेणु वर्तमान पर्यंत जो वोटिंग पूर्वर जो एग्जिट पोल थिला बर्तमान हुए तो आज संध्या परे विभिन्न जो चैनल तरफ रु हुए तो एग्जिट पोल आसी पारे तेज जदि एग्जिट पोल आसुची आज तेणु एग्जिट पोल कहा सपक्ष में जाऊँगी से एग्जिट पोल टा एग्जैक्ट पोल होउछि कि नाही 10 तारीख रे ता तो स्पष्ट हेबो परवर्ती कथा किंतु गुटे वोटिंग परे एग्जिट पोल आसे सेतिरु मध्ये बहुत मेसेज बाहर ताय शक्ति ताकु मध्ये नै कि बहुत चर्चा हुए जे एग्जिट पोल कहा सपक्ष रे जाउछि कौ दल जो कन्फिडेन्स बढ़ किए भांगी पड़ो निश्चित भाव क्या कैसे सीट जीव ये गोटे पूर्व आकलन समस्ते करता जहाँ को लेकिन चर्चा हुए हुए तो आज लास्ट पर्याय जो रही टाइम रही 6टा पर हुए तो एग्जिट पोल आसी पारे निश्चित भाव तापर मध्य आम नजर रही आसुची क्या सपक्ष में जाऊँ किए यूपी रड़ बजाय रखुची और यहाँ सहित आहरी जो चारोटी राज्य रही समस्त एक्साइटमेंट रही तेणु आज शेष पर्याय जेहेतु मतदान रही निश्चित भाव समस्त नजर रही वोटिंग परसेंटेज गोटे मेजर रोल प्ले कर देखिए यूपी रो जो सिक्स फेज निर्वाचन जाइछि ऑलरेडी दुईटी फेज को छाड़देले बाकी अन्य फेज गुड़ाक 60, 65, 67 एमती परसेंटेज को जाइछि किंतु मणिपुर देखिए दुईटी जाक फेज गुटे रेकर्ड संख्यक वोटिंग हेछि अन्य स्टेट तुलन में मध्य आम आशावादी हबु हुए तो ये लास्ट फेज रे टिके वोटिंग परसेंटेज आहुरी यूपी रो बढ़िबो कहीं ये गोटे चांसेस थिला समस्त को मिलता वाराणसी आसिक वोटिंग प्रधानमंत्री मध्य अपील करते ये भितर जिते वोट पड़ी केते परसेंटेज वोटिंग एक्साइटमेंट वोटर रही वोटिंग स्टार्ट है अपेक्षा रखा पड़ो हूं तो से किसी एक्साइटमेंट चित्र देखा मिल पारे सकते धन्यवाद गगन सूचना पाई गगन विश्वाल आम प्रतिनिधि जो भाई भाव सूचना दूसरे कि ये शेष पर्याय हेले भी ये निर्वाचन अंतिम पर्यायर जो मतदान होची 54 आसन ये बेस गुरुत्वपूर्ण रोचे खासकर शासक बीजेपी पाई कारण या मध्य आसुची प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी। आज जन औषधि दिवस अवसर में योजनार हिताधिकारी कथा हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया दिन 12:30 हिताधिकारी जोगाजोग करिवार कार्यक्रम रही कार्यक्रम विषय वस्तु रही जन औषधि जन उपयोगी जेनेरिक मेडिसिन नहीं लोकों मध्य सचेतनता सृष्टि करने को प्रतिवर्ष मार्च 1 सारा देश में जन औषधि सप्ताह पालन करा लोकों निकट में यह सुलभ मूल्य पहुंचेवा देश में प्राय 8600 अधिक जन औषधि स्टोर रही। बार दिन में पहुंचला रूस यूक्रेन युद्ध भयंकर होबार लगी यूक्रेन स्थिति युद्ध को नहीं सबुठी हाहाकार परिस्थिति एपर्यंत रूस लक्ष्य पूरण हो पारि नथिबारु रूस पक्षर आक्रमण को आहुरी तीव्र करा जाइछि घन घन मिसाइल माड़े थरी उठुची यूक्रेन माटी जलुची गोटे पर गोटे सहर गतकाली पोर्ट सिटी मरियोपोल को टार्गेट करथिला रूस रूसीय सेना पक्षर घन घन बोमा माड़े विद्युत जल खाद्य जोगाण गमनागमन संपूर्ण रूपे विच्छिन्न हो जाइछि। यूक्रेन तृतीय पावर प्लांट को निज कब्जा को नेबाकु रूस सेना अग्रसर होती रूस क्षेपणास्त्र माड़ केन्द्रीय यूक्रेन हावर्स सोपका विमान बंदर नष्ट हो जाने रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते दुई देश मध्य बिवाद चली बेले पाश्चात्य राष्ट्र समूह कटक युद्ध आह्वान संगे सामान यूक्रेन आकाश को जदि नो फ्लाय जोन घोषणा कराए तेज परिस्थिति भयावह हो पुतिन पुणि थे चेतावनी देते पूर्व यूक्रेन को नो फ्लाय जोन घोषणा करने नहीं यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की प्रस्ताव को नाटो अग्राह्य कर तेज ए युद्ध एजा 11,000 अधिक रूस सैन्य निहत हो दावी कर यूक्रेन ए सहित 44 फाइटर जेट 48 लड़ुआ हेलिकप्टर 285 टैंक नष्ट हो सारी अनेपक्ष शक्तिशाली मिसाइल माड़ यूक्रेन भीषण क्षति होबार लगी आहुरी भयंकर आक्रमण लगी रूस चेतावनी देवापर स्थिति आहुरी जटिल होबार लगी।
युक्रेन में फसिता प्रवासी भारतीय स्वदेश फेर आने चली ऑपरेशन गंगा अंतिम पर्यायर पहुंची ऑपरेशन एजाए भारत फेरले 15,920 छात्र छात्री 76 विमान में भारत अणाइवा ट्विट कर जनाई केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समस्त भारतीय शीघ्र फेर ऑपरेशन को आहुरी जोरदार करतनी स्वतंत्र विमान में युक्रेन फेरी 547 जन भारतीय स्लोभाकिया रास्ता दे आउ 254 प्रवासी भारतीय स्वदेश फेरी तेरे ये ऑपरेशन सफल हो प्रधानमंत्री जो काम बड़ बड़ देश माने करी पारले नाही ता भारत करी देखाई आम लोकों को आम सुरक्षित भाव में स्थानांतर करी पुणे कहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। अभी आप लोग यूक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। ऑपरेशन गंगा देउछी नुआ जीवन पिलामानंकु पाखरे पाई आत्महरा होइछंती आत्मीय स्वजन युद्ध विभीषिका मध्यरे घर को फेरीथिबा पिलांकु कोले नै खुशी होउछंती बापा मा आउ परिवार। ऑपरेशन गंगा देउछी नुआ जीवन युद्धग्रस्त युक्रेन रो घर को फेरुचंती छात्र छात्री पिला पाखरे पाई आत्महरा आत्मीय स्वजन ए कोह खुशी रा ए खुशी आश्वस्ति रा युद्ध विभीषिका देशरु जीवन धरी फेरीथिबा पिलांकु कोळेई नै खुशी होचंती बापा मा एवं परिवार। रायगुड़ा जिल्लार गुणपुर सहर रे देखिबाकु मिलिछि एभळि चित्र युद्धर कराळ कायरे कबळित युक्रेन रु एबे घर को फेरी गुणपुर सहर तीनज डाक्तरी छात्र छात्री श्रेया देवरचिटी संपत विनायक एवं संतोषी गिरिजाला केन्द्र सरकार पक्षर युक्रेन में फसी रही भारतीय छात्र मान उद्धार ऑपरेशन गंगा मिशन जरिया प्रयास जारी रही क्रम रायगढ़ गुणपुर तीनज छात्र छात्री घर को फेरी देखा मिली भारत सरकार द्वारा उपकृत होगी मु काली घरे पहुँची देन ऑपरेशन गंगा जो होता भारत सरकार आम करते द्वारा आम उपकृत हो रोमानिया दिल्ली पहुँची दिल्ली रू दे भुवनेश्वर ओडिशा पहुँचिकी ओडिशा रू पुणी घर को आसी आम रोमानिया बॉर्डर में जितक दिन भी रही से दिन भी इंडियन एम्बेसी रोमानिया आमको बहुत हेल्प करते एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मुझे गली पढ़ापा विनिक्सा युक्रेन एक्चुअली आम 24 फेब्रुआर आम स्टार्ट वार्ट स्टार्ट है तो सडनली एमती इनवेसन अफ द रशिया बोली न्यूज सुनु सुनु आम टे मानने टे पैनिक होपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रु आमको मानने गोटे मिशन टा स्टार्ट ऑपरेशन गंगा लगी द्वारा ये आम टे सेफली गुणपुर आम अच्छे मानने ऑपरेशन गंगा एक इंडियन एम्बेसी अंपटे युद्धग्रस्त युक्रेन रो निज पिला फेरी आसीथिबा बेले पिला मानको पाखरे पाई परिवार आत्मीय स्वजनक खुशी दुई गुण हो जाएछि। दुई देशर युद्ध पाई पाठपढ़ा बाधाप्राप्त होइथिले मध्य पिला माने घर को फेरी आसीथिबारु बापा मा एवं परिवार लोके खुशी व्यक्त करिछन्ति। एथिसहित युक्रेन रे फसी रहिथिबा भारतीय छात्र छात्री मानको उद्धार नै केन्द्र सरकार को प्रयास को छात्र छात्री को अभिभावक माने प्रशंसा करने सहित कृतज्ञता जनाई कंटिन्यू स्नोफॉल थिला अरे माने टेम्परेचर भी -2 -3 से रेंज रे थिला तो सेठी बेसी प्रॉब्लम होउथिला मु बॉर्डर क्रॉस करला परे रोमानिया जाइथिलो सेठी एते किछ प्रॉब्लम किछ नथिला सब अरेंजमेंट एम्बेसी करथिले इंडियन गवर्नमेंट भी फ्लाइट सब अरेंज करथिले एंड बॉर्डर क्रॉस करला 2 डेज रे मु घर पहुँची गली देशर अनेक परिवार पाई नुआ आशार ना पलटी मिशन गंगा भारत सरकार अभियान अनेक युक्रेन रो सुरक्षित फेर खाली भारतीय नुहे अन्य देशर नागरिकों संजीवनी पलटी
रायगढ़ गुणपुर रो अजित महाती रिपोर्ट आकाशवाणी। पौर निर्वाचन बढ़ुची ताति छिंडुनी प्रार्थी तालिका प्रार्थी घोषणा को नहीं राज्य सारा बिजेडी रे बढ़ुची असंतोष। पौर निर्वाचन पर विभिन्न दल पक्ष प्रार्थी घोषणा सांग को चली नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया मेयर महामुकाबिला प्रार्थी घोषणा करुछंती समस्त राजनैतिक दल। मार्च 24 रे ब्रह्मपुर महानगर निगम पर मतदान अनुष्ठित हो। प्रथम थर पर भोटर मैंने प्रत्यक्ष भाव मेयर को निर्वाचित करेंगे। तबे बीजेडी संघमित्रा दलाई प्रार्थी भाव चयन होता बेले सबिता सुआर को प्रार्थी करी बीजेपी किंतु कांग्रेस पक्षर एपर्यंत मेयर पदवीपाई क्या चयन करना आज उभय बीजेडी और बीजेपी मेयर प्रार्थी नोमिनेशन दाखल करेंगे बोली सूचना मिली। उभय ब्रह्मपुर सहर परिक्रमा कर नोमिनेशन दाखल करेंगे बोली सूचना आसी। तेज आज दिन तीन टा पर्यंत नामांकन दाखल कर समय थी अधिक भिड़ होगा आशा कर। अधिक अपडेट सहित तो जोड़ी होती आम प्रतिनिधि पीतांबर नायक। पीतांबर मेयर प्रार्थी बीजेडी बीजेपी घोषणा कर सारी केवल कांग्रेस रो बाकी अच्छी तो आज जेहेतु शेष दिन रोची तो आज जिते कॉर्पोरेटर रही मेयर समस्ते आज नामांकन पत्र दाखल करेंगे तो कौन से रही आज कार्यसूची ब्रह्मपुर महानगर निगम पद मेयर पद किए पाइब का नहीं कि चर्चा चली लोकों मध्य भोटर मध्य तो या कि वर्तमान पूर्व जमी कि बीजेडी मेयर प्रार्थी घोषणा कर संघमित्रा दल कि ठीक से भाव में गत काली सन्धार बीजेपी पक्ष मेयर प्रार्थी घोषणा कर डर सबिता सुआर को अंपटे कांग्रेस वर्तमान सुधा कौन प्रकार अफिसीआली सूचना आसीना जे कांग्रेस किए हम मेयर प्रार्थी जाक वर्तमान चर्चा चली कांग्रेस कहीं पछघुंचा दौर अंपटे विशेष करेतु प्रार्थी मानने नोमिनेसन शेष तारीख रही तो निश्चित भाव आज से नोमिनेसन फाइल करेंगे। आम पाखे जहां सूचना रही उभय बीजेडी और बीजेपी पक्ष नोमिनेसन फाइल कर ब्रह्मपुर सहर मां बुढ़ी ठाकुराणी दर्शन सारा प्रार्थी मैंने जो भाव सेहर परिक्रमा करोमेसन फाइल करेंगे कि बड़ कथा हूँ आपति कहते कॉर्पोरेटर कथा प्रति वार्ड प्रति राजनैतिक दल विशेष करजेपी और बीजेडी उभय निश्चित भाव इंटरेस्ट रोचे किए के वार्ड रु के भाव में ठिया हे दल ताकते चयन कर प्रत्येक वार्ड रु दुईटी तीनो एमती फर्म किणाई तो यही क्षेत्र को जो देखा निश्चित भाव बीजेडी जेहेतु 42 वार्ड कॉर्पोरेटर नाम तालिका घोषणा कर सारी एमती बीजेपी जोजोग कि वार्ड कॉर्पोरेटर को सूचना देसी आउ किसी वार्ड कॉर्पोरेटर को आज सूचना देवार कार्यक्रम रही किंतु बड़ कथा हूँ कांग्रेस हुए तो 42 वार्ड कॉर्पोरेटर केते स्थिर कांग्रेस मेयर किए हे विधिवत भाव में कौन प्रकार आम पाखे सूचना नहीं ऑफिशियल से कौन प्रकार सूचना देना जहाँ को नहीं कि वर्तमान समय कल्पना निर्माण आरंभ होते कांग्रेस स्थिति जदिव राज्य में भल नुह किंतु मेयर पदवी क्या देवे एत विलंब कहीं या कि विभिन्न आलोचना चली तो यह भितर देखार कथा जे आज ही जेहेतु फाइनाल किए भी प्रार्थी तालिका घोषणा करना कांग्रेस जमीती कि नाम चर्चा हो किसी जन अन्य दल जाकि मेयर प्रार्थी से ग्रहण करती कांग्रेस रु तो यही घटना को जो देखा बर्तमान कांग्रेस ऊपर नजर रही क्या प्रार्थी भाव घोषणा कर ओके बहुत धन्यवाद पीतांबर। पीतांबर नायक आम प्रतिनिधि जो सूचना दूसरे कि कांग्रेस क्या मेयर प्रार्थी करवा शेष दिन नामांकन पत्र दाखल नहीं कि समस्त भितर उत्सुकता रही आज सबू प्रार्थी आज नामांकन पत्र दाखल करेंगे तेणु से नहीं कि भिड़ पर आशा कर। परिवेश को नहीं युवपीढ़ी को सचेतन करने को लक्ष्य अदानी ग्रुप द्वारा आयोजित होई आई कैन स्कूल चैलेंज एथिरे सारा देशर 240 स्कूल रु छात्र छात्री भाग नहीं।
जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल जीतिला 2022 आई कैन स्कूल चैलेंज। अदानी ग्रुप द्वारा आयोजित एक इवेंट रे बाजी मारी मुंबईर एक पुरातन स्कूल। क्लाइमेट चेंज को नहीं एथिरे स्कूल पिला माने भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट और उपाय बताइथिले। भाग नहीं 240 स्कूल पिला माने सामना को आसीथिला 748 नियारा उपाय। प्रथम थर आयोजित होता यह प्रतियोगिता रे बाजी मारी जमुनाबाई। चलित बर्षर थीम थिला क्लीनर फ्यूचर। प्रतियोगितार द्वितीय स्थान रे पावर पब्लिक स्कूल और तृतीय स्थान रही थिला अंजुमान इस्लाम्स मुस्तफा फाकी उर्दू हाई स्कूल। कार्यक्रम रे अतिथि भाव में जोग देते अदानी ग्रुप सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज विभाग मुख्य अरुण शर्मा से आईनजीवी अफरोज शाह और शुभजित मुखर्जी प्रमुख सामिल होते। अवसर में अरुण शर्मा कही परिवेश को बचाईवा लड़े आगामी पीढ़ी लड़ब किंतु आई कैन स्कूल चैलेंज मध्यम आज युवपीढ़ी को क्लाइमेट चेंज संपर्क में जाणी और गभर अध्ययन करने को बाध्य कर। जमुनाबाई स्कूल हाउस होल्ड इनभेटोरी मैनेजमेंट सिस्टम पर 1.5 लाख टंकार प्रथम पुरस्कार पाईपरि द्वितीय स्थान में स्कूल को 1 लाख और तृतीय स्थान में स्कूल को मिली 50,000 टंकार पुरस्कार राशि। सारा भारत आसी एंट्री मध्य परिवेश सुरक्षा को नहीं 50 आइडिया को बाछबारे साहाज्य करिथिला आईआईटी मुंबई। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। चलीगला शीत एवं आसुची ग्रीष्म ततला कड़ाई में सिझे सारा ओडिशा। राज्य में शीत कमुवा बेले उपर मुहां हो पारद। पश्चिम ओडिशार अनेक अंचल 35 डिग्री टपिची तापमात्रा। गत काली बलांगीर चिटलागड़ सर्वोच्च तापमात्रा 37.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर। राजधानी भुवनेश्वर में तापमात्रा 35.2 कटक 34.6 डिग्री में पहुंची। वर्तमान ओडिशा उपर कौन निर्दिष्ट पापागर प्रभाव ना बेले आगामी 5 दिन जाए पाग मुख्यतः सुखिला रही है आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्ष आकलन कर। तेज आज सका ट्विन सिटे घन कुहुड़ी देखा मिलता। गाड़ी चालक मैंने समस्या सम्मुखीन होते। दुई इंडियन प्रीमियर लीग पाई खेल सूची जारी करा जाएगी। मार्च 26 रे खेला जीवो उद्घाटनी मैच। प्रथम मैच रे मुहांमुही हे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। ही मैच मुंबईर वांगखेड़े स्टेडियम रे संध्या 7:30 खेल। चलित बर्षर आईपीएल अधिक रोमांचकर होगा नहीं आशा करा जाउछि। कोरोना महामारी जो 2020-2021 आईपीएल मैच भारत में खेल जा नथिला। दुई वर्ष पर भारत में आईपीएल मैच खेल जा क्रीडाप्रेमी मध्य उत्साह रहा। तेरे कोरोना परिस्थिति को देखि दर्शकों स्टेडियम को प्रवेश अनुमति मिल। चलित आईपीएल ट्रॉफी पर 10 दल मध्य टक्कर। संपर्क में अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सुशांत साहू। सुशांत आईपीएल खेल सूची जारी होगाक जाऊँ जो भाई भाव में मार्च 26 रे प्रथम मैच अनुष्ठित होगा चेन्नई कोलकाता मुहांमुही हे तो खेल सूची जितेबाला आसी सारी प्रथम थर पर 10 दल एथर जेहेतु पार्टिसिपेट कर मुकाबला अधिक रोमांचक हम बोली आशा कर। निश्चित भाव शक्ति साई आप जानते पूर्व 8 टीम को नहीं खेला जाता पूर्व वर्ष देखा। चलित वर्ष 2 नुआ टीम आड होती जोटा की लखनऊ सुपर जेंट्स और गुजरात टाइटन्स। ता सहित पूर्व आप जानते आईपीएल मैच जो है जो सब टीम गुड़िक था होम ग्राउंड थाए समस्त दल विभिन्न विभिन्न ग्राउंड को जा खेली था। मात्र चलित वर्ष कोविड को नजर रखी बीसीसीआई पक्षर से सबू करवल महाराष्ट्र स्टेट रोटी स्टाडियम समस्त मैच खेल आम पाखे जहां सूचना रही 58 दिन अर्थात जो मार्च 26 रु आरंभ हो कि मे 22 जाए 58 दिन रु 70 मैच खेल। ता सहित मे 24 रु प्ले अफ गुड़िक खेल जाए कि मे 29 तारीख में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम जोटा रही अहमदाबाद से फाइनाल मैच खेल जहां आम पाखे सूचना रही वांगखेड़े स्टेडियम और डीओआई पाटिल स्टेडियम 20 लेखाएं मैच खेल। ता सहित बारबन स्टेडियम जोटा कि मुंबई रहा सहित महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जहां कि पुणे से दुईट स्टेडियम 15 लेखाएं मैच खेल। से भाव आप जानते जहां शेड्यूल आसी प्रथम मैच पूर्व वर्ष दुईट फाइनालिस्ट दल सीएसके केकेआर मध्य वांगखेड़े स्टेडियम खेल।
ସେହିପରି ଭାବେ ସତେଇଶ ତାରିଖ ରହିଛି ଡବଲ ହେଡର, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ବାର୍ବନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଯୋଉଟାକି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଆର୍ସିବି ମଧ୍ୟରେ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଇପିଏଲ ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଇ ନୂଆ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଦଳ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆଇପିଏଲ ହଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସବୁ ଥାନ୍ତି ହୋଷ୍ଟ ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଏଇ ଆଇପିଏଲ ଟାକୁ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ 4ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ତେବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟିମ୍ ଯିଏ ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ରହିଥାଏ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସରେ ରହିବ ବା ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ସର୍ବାଧିକ ଥର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଏ ମୁକାବିଲାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଖେଳ ସୂଚୀ ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ 10ଟି ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଏଥର ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ରୋଚକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।